मनासा क्षेत्र के गांव बख्तुनी में राजस्थान के पाली जिले की पुलिस एनडीपीएस एक्ट के आरोपी मोहनलाल गुर्जर को पकड़ने रात को पहुंची थी, जिस पर परिजनों और ग्रामीणों ने रात के अंधेरे में सिविल ड्रेस में होने से चोर समझकर उन पर हमला किया है। वहीं भवरलाल के घर में सो रही महिलाओं ने राजस्थान पुलिस के जवानों पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों के हमले की सूचना पाली पुलिस जवानों ने कंट्रोल रूम पर दी, जिसके बाद मनासा से पुलिस पहुंची है और जवानों को लेकर गई। मनासा पुलिस ने भवरलाल सहित परिवार के लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने और पुलिस पर हमला करने का केस दर्ज किया है। इधर ग्रामीण कांग्रेस नेता मंगेश संगई और प्रदेश कांग्रेस सचिव कैलाश राठौर मोहित जोशी के साथ एसडीओपी कार्यालय पहुंचे और राजस्थान पुलिस द्वारा आधी रात को चोरों की तरह बिना सर्च वारंट के आकर महिलाओं के साथ अभद्रता करने की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। TIKL नांगी ने बताया कि राजस्थान पुलिस डोडा चोरा के मामले में भंवरलाल गुर्जर को लेने आई थी, जिस पर ग्रामीण और परिवार के लोगों ने हमला कर दिया, जिनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। बताइए रात को क्या हुआ? रात की करीबन 11 तारीख को रात में 12 बजे लगभग 12 बजे आया और शील ड्रेस में आर अचानक बहुत घर पे घुसा और सीमा की नींद जागी, सीमा के मुंड दबा दिया और उसको ने फिर चिल्लाने लगी तो उसका परिवार वाला सब उठ कर भाग्या और लड़ भाग्या। तो फिर ये लोग एकदम अचानक वहाँ से भग गया और फिर बारह देख गया तो गाड़ी खड़ी थी, एक दौड़ी गाड़ी। तो फिर ये भी बाद में किए, बाद में आधा घंटा बाद में पुलिस दो तीन गाड़ी पुलिस किया कि वहाँ फिर और। तो फिर गाँव लोग का तो गया ही को नहीं यार, ये कौन सा मामला है, कभी रात में कभी किसी को उठा के ले जाएगा, इसीलिए तो गाँव वाला पास में गया ही नहीं। तो किसको उठाने आए थे, कुछ जानकारी नहीं? ऐसी कोई जानकारी नहीं, उसके घर पे घुसा और घर पे घुसा भी टाइम में तो जी टाइम में तो वो उनका परिवार का खेत पास में ही है तो वहाँ रोजगार बार बोर का है उसकी रुकाली था वो परिवार का ही। ये तो चिल्लाने लगा जिस टाइम में भाग भाग के आया वो सब लेके महिलाओं के साथ भी मारपीट करी गई। हाँ मारपीट की, मुँह दबाया उसका, मुँह दबाया उन्हें और मारपीट की थी। वो एक अकलिंग थी उसको तो खटिया के नीचे गिरा दी, उसके पाँव भी नहीं धोई। रात को 12 बजे बख्तुनी गांव जो मनासा का आखिरी गांव है जो राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है, उस गांव में गुजर समाज और भील समाज के लोग रहते हैं। अब रात को 12 बजे 5 व्यक्ति वहां पे आते हैं जो सिविल ड्रेस में रहते हैं और बिना किसी सूचना के या बिना किसी वारंट के वो लोग वहाँ आते हैं। तो गांव के लोगों एक भंवरलाल गुर्जर नाम के व्यक्ति के घर में वो जाते हैं तो वहाँ महिलाएं थी, तो महिलाओं के साथ उनने खींचतान करी तो महिलाएं चिल्लाई तो गांव के लोग इकट्ठे हो गए ना, फिर वो भाग खड़े हुए। बाद में पता चला कि वो राजस्थान पुलिस के जवान थे। तो कोई भी जवान हो, चाहे राजस्थान पुलिस के हो या मध्य प्रदेश पुलिस के हो, रात को 7 बजे बाद बिना सर्च वारंट और बिना किसी वरिष्ठ अधिकारी के और बिना गंभीर अपराध के किसी के घर में नहीं घुस सकते हैं। जो उन्होंने रात को 12 बजे बिना सूचना के सिविल ड्रेस में घुसकर, एक चोरों की तरह घुसकर, जो असंवैधानिक तरीके से उस घर पे हमला बोला, एक अपराध कारित किया है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि कानून के रखवाले होकर, कानून तोड़ के अगर कोई काम करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई? इस मामले को लेकर आज हमने SDOP साहब को ज्ञापन दिया है कि इस प्रकार की उन लोगों ने इन लोगों के साथ अभद्रता की और रात को चोरों की तरह घुस के उनके ऊपर हमला किया जो एक असंवैधानिक है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हमने मांग करी है। कैसा बता रहे हैं कि इनके खिलाफ परिवारजनों के खिलाफ FIR दर्ज की गई पुलिस द्वारा? हो सकता है, अभी तक हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन अगर पुलिस के माध्यम से अगर गाँव के लोगों के ऊपर कायमी करती है तो ये भी एक गलत तरीका है। क्योंकि गांव के लोगों से पूछना चाहिए पहले घटना क्या हुई है, उसके बाद अगर उसमें आगे बढ़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है।